हिमाचल होमगार्ड विभाग के द्वारा भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा रही है। आपको बता दें, मंडी जिले में छठी वाहिनी में 35 पद खाली पड़े हैं। गृह रक्षा छठी वाहिनी मंडी के आदेशक खेम सिंह ने बताया कि यह भर्ती प्रक्रिया 18 जून से शुरू हो जाएगी और इस प्रक्रिया में 18 से 50 साल तक के लोग आवेदन कर सकते हैं। छठी वाहिनी मंडी के आदेशक मेजर खेम सिंह ने बताया कि मंडी जिले में गृह रक्षक स्वयं सेवकों के 35 पद रिक्त पड़े हैं। उन्होंने बताया कि इन पदों के लिए 18 से 50 साल तक के महिला और पुरुष आवेदन कर सकते हैं। खेम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि इस भर्ती प्रक्रिया का आयोजन 18 जून से 23 जून तक किया जाएगा, जिसमें मंडी जिले की 8 कंपनी के लिए भर्ती की जाएगी। हिमाचल होमगार्ड की छठी बटालियन, जो कि मंडी बटालियन है, इसमें महिला एवं पुरुष गृह रक्षक स्वयंसेवकों के 35 पद खाली रिक्त पद पड़े हुए हैं। इन 35 रिक्त पदों को भरने के लिए इस बटालियन के ट्रेनिंग सेंटर, जो कि जासन नियर चैलचौक के पास है, 18 जून 2015 से भर्ती का आयोजन किया जा रहा है। जो भी उम्मीदवार हिमाचल होमगार्ड्स में एज ए वॉलंटियर अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, वो इस भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। भर्ती होने के लिए उम्मीदवार की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। जो डॉक्यूमेंट्स हमें उस दिन चाहिए, उसमें उम्मीदवार का पासपोर्ट साइज के 2 फोटोग्राफ चाहिए, जो लेटेस्ट होने चाहिए, और आपका शिक्षा प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, विशेष योग्यता पत्र, अनुसूचित जाति अवलिक जनजाति प्रमाण पत्र व स्थायी निवास प्रमाण पत्र जो है ओरिजिनल फॉर्म में वहां पर लेकर के आने हैं, ताकि आपके फॉर्म और आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को वहां पर चेक किया जा सके। इसके साथ साथ ये भर्ती प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी होती है। पहला चरण आपका ग्राउंड टेस्ट रहेगा, उसके बाद आपका जो है रिटर्न होगा, और जो आदमी ग्राउंड को क्लियर करेगा वो रिटर्न के लिए जाएंगे, रिटर्न को जो क्वालिफाई करेगा वो लास्ट में इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, फिर उसके बाद जो है इसी प्रकार से भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट कर दी जाएगी। मेजर खेम सिंह ने के चैनल को जानकारी देते हुए बताया कि आवेदकों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास होना चाहिए और इस भर्ती प्रक्रिया का आयोजन चैलचौक स्थित गृह रक्षा वाहिनी प्रशिक्षण केंद्र जासन में किया जाएगा। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।